देखिए एक कार्यकर्ता और साथियों ने जो भव्य स्वागत किया है, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो सोचा था कि मैं सीधे आऊंगा और निकलूंगा, लेकिन इतनी जोरदार तैयारी और हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ ये जनसैलाब संकेत दे रहा है कि बिहार में राजनीति पूरा लोग जागरूक हो गए हैं, राजनीतिक क्रांति हो रही है और जो हम लोगों ने दिल्ली में समझा था वही बिहार में सीन देख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए बिहार को लेकर के पार्टी बहुत संजीदा है और दिल्ली चुनाव के बाद पहला विधानसभा का चुनाव बिहार में है और इस पर आम आदमी पार्टी मजबूती खड़ी उतरी। बिहार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे और उसके पहले भी आएंगे, विधानसभा चुनाव के पहले भी अरविंद जी आएंगे। केजरीवाल तो जो हम लोग का जो मेन एजेंडा रहेगा कि बिहार में दिल्ली का मॉडल लागू करें। आज दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल स्थापित हुआ है इसका देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इसका डंका बज चुका है। यहाँ तो बिहार में तो मोहल्ला क्लिनिक की बात दूर करनी है, पहले यहाँ जो अस्पताल है उसकी व्यवस्था कब तक आप दूर करेंगे? व्यवस्था तो सरकार सबसे व्यवस्था दूर करने के लिए तो हम लोग आए हैं। आज जो है अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीति बदलने की, देश की राजनीतिक सोच बदलने की दिशा जो दी है उसी दिशा को पर काम करने के लिए हम लोग बिहार में के लिए तो सरकार बनाना होगा। संगठनात्मक क्या है आपका बिहार में? हम लोग का संगठन काफी मजबूत है और हर जिला में हम लोग का संगठन खड़ा हो चुका है। अब हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ की जनता जो बीजेपी और जेडीयू दोनों से नाराज है और करा रही है, दर्द में करा रही है, इस करा का एक ही आम आदमी पार्टी बनेगी। आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी? विकल्प बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जनता का डिमांड है। आप देख लीजिए अपार जन समूह जो है ये जनता के अंदर की दिल की आवाज है। यहाँ पर इस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन हो और हम लोग यहाँ की सरकार को परिवर्तन करने के लिए, नीतीश सरकार को उखाड़ने के लिए दिल्ली से, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के जो शपथ समारोह हुआ तो उस मंच से इन्होंने हम लोग आए हैं, वहाँ से शपथ लेकर आए हैं कि बिहार की धरती पर भी इस कुर्सी कुमार को यहाँ की कुर्सी से हटाएंगे। रामलीला मैदान से शपथ लेकर आए, बिहार में नीतीश कुमार को हटाएंगे। और ये गांधी मैदान में, रामलीला मैदान से यहाँ की पटना की गांधी मैदान में हम लोग यहाँ पर रैली करेंगे और कुर्सी कुमार को यहाँ की कुर्सी से हटाएंगे, यही शपथ लेकर हम लोग दिल्ली से पटना आए हैं।